दोस्तों मैंडरिन व्लॉग्स में मैं तेजस मालव आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम जानेंगे मेट्रो लाइन 6 के अपडेट के बारे में। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। मेट्रो लाइन 6 पिंक लाइन होने वाली है जो लोखंडवाला से विक्रोली तक होने वाली है। इस रूट का पूरा डिस्टेंस 14.47 किलोमीटर होने वाला है और मैंने राइड शुरू की है विक्रोली साइड से। और इस पूरे लाइन में 13 स्टेशन होने वाले हैं, जैसे कि विक्रोली, कांजूरमार्ग, IIT पवई, सिब्स, जोगेश्वरी, लोखंडवाला और कहीं मेट्रो स्टेशन के स्ट्रक्चर भी ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। यानी आप देख के समझ सकते हो कि ये मेट्रो स्टेशन होने वाला है, जो मैं आपको आगे वीडियो में भी दिखाऊंगा। इस पूरे प्रोजेक्ट का बजट है 6,600 करोड़ रुपए। इस प्रोजेक्ट की एक्चुअल शुरुआत हुई थी 2004 में। उसके बाद 2015 में MMRDA यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 6 नए मेट्रो लाइंस बनाने का डिसाइड किया, जो बाद में जाके टोटल 14 मेट्रो लाइंस का हो गया। उसके बाद दिसंबर 2016 में DMRC यानी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने इसकी रिपोर्ट बनाई और ये प्रोजेक्ट 24 अक्टूबर 2017 को ऑफिशियली अप्रूव हो चुका था और इस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट हो सकती है 2025 तक। मेट्रो लाइन 6 की एक सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये लाइन हाईएस्ट मेट्रो लाइन होने वाली है इंडिया की। वैसे ओवरऑल सेगमेंट में यानी शुरू से लेके एंड तक ये इंडिया में नंबर 4 पे आती है, लेकिन इसका गांधीनगर मेट्रो स्टेशन का जो सेक्शन है कांजूर मार्ग के यहाँ पे, वो इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा मेट्रो पिलर इंस्टॉल किया गया है, जिसकी हाइट लगभग 38 मीटर्स यानी 124 फीट है। और इस लाइन का सबसे ऊंचा मेट्रो स्टेशन होने वाला है कांजूर मार्ग मेट्रो स्टेशन, जिसकी हाइट लगभग 100 फीट से भी ज्यादा होने वाली है। और कांजूर मार्ग में ही मेट्रो का डेपो भी बनने वाला है। मेट्रो लाइन 6 आपको बाकी मेट्रोस का भी एक्सेस देती है, जैसे कि कांजूर मार्ग से आपको लाइन 4 का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि गायमुख से कसार वड़ावली होने वाली है। उसके बाद आरे कॉलोनी से आपको लाइन 3 का एक्सेस मिल जाएगा, जो कि एक्वा लाइन है, जो कि आरे कॉलोनी से चर्च गेट तक होने वाली है। फिर सिब्स मेट्रो स्टेशन से भी आपको मेट्रो लाइन 3 का एक्सेस मिलेगा। फिर जोगेश्वरी से लाइन 7 और लोअर ओशिवरा से लाइन 2 का एक्सेस भी मिलेगा। बाय द वे लाइन 2 और 7 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जो येलो और रेड लाइन है रिस्पेक्टिवली। इस प्रोजेक्ट के अपडेट की बात करूं तो 17 अप्रैल 2023 तक इसका 65% काम हो चुका था और अब तक आई थिंक 70% तक काम हो सकता है, लेकिन ये अभी तक ऑफिशियल नहीं है। और 2025 तक ये प्रोजेक्ट का जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कंप्लीट हो सकता है। अब वो जनवरी भी हो सकता है या दिसंबर भी हो सकता है, लेकिन ये अभी फिलहाल बताना तो डिफिकल्ट है। लाइन 6 से होने वाले फायदे के बारे में बात करूं तो ये लाइन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को कनेक्ट करता है और लाइन कंप्लीट होने के बाद अंधेरी से ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का डिस्टेंस 30 से 35 मिनट तक कम हो जाएगा। पिंक लाइन के रूट पे जो लोग बाय रोड डेली ट्रैवल करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट दोनों से, उन लोगों को इस रूट के ट्रैफिक के बारे में तो पता ही होगा। यहाँ का ट्रैफिक सच में बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट करने वाला है। और अगर पर्सनल व्हीकल वाले ये डिसाइड करें कि मेट्रो से ट्रैवल करेंगे तो ट्रैफिक कम भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए हम सबको ये एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये टाइम भी बचाएगा और आपके पैसे भी। और ऐसा कहा जाता है कि मेट्रो लाइन 6 कंप्लीट होने के बाद लगभग 30% तक ट्रैफिक कम हो सकता है। मेट्रो लाइन 6 पूरी तरह MMRDA के अंडर आता है और ये प्रोजेक्ट टोटली मैनेज किया जाता है MMOCL के द्वारा। MMOCL यानी महा मुंबई मेट्रो ऑपरेशंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। अभी रिसेंटली कांजूर मार्ग में डेपो बनने की परमिशन भी मिली है, जिसमें और 30 महीने लग सकते हैं और इसका बजट है 509 करोड़ रुपए। और जैसा मैंने कहा था कि 2025 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो सकता है, इसका मतलब पब्लिक के लिए नहीं, बल्कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा होगा, लेकिन पब्लिक के लिए शुरू होने के लिए लगभग 2027 तक भी वक्त लग सकता है। और नवी मुंबई मेट्रो से बड़ा और क्या है एग्जाम्पल हमारे पास, जिसका कंस्ट्रक्शन वर्क तो कब का पूरा हो चुका था, लेकिन इसका फर्स्ट फेज शुरू हुआ नवंबर 2023 में। और इसका वीडियो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी जरूर एक बार देख लीजिए आप। और रनिंग मेट्रो लाइंस की बात करूं तो बाकी सभी मेट्रो सही चल रही है, जिसमें मेट्रो लाइन 1 जो कि ब्लू लाइन है, फिर मेट्रो लाइन 2 जो कि येलो लाइन है, मेट्रो लाइन 7 जो कि रेड लाइन है। और मेट्रो लाइन 1 ने अभी रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है कि इसने पूरे 200 मिलियन पैसेंजर्स कंप्लीट किए। 200 मिलियन यानी लगभग 20 करोड़ पैसेंजर्स, वो भी लगभग 3 साल से भी कम के टाइम में। और इसका रीजन ये भी है कि रिसेंटली फरवरी 2023 में मेट्रो लाइन 1 ने 18 नए सर्विसेज
चालू किए थे पब्लिक डिमांड की वजह से, और मेट्रो लाइन 7 और 2A ने भी 5 करोड़ पैसेंजर्स का मार्क क्रॉस किया है, जो कि अप्रैल 2022 में शुरू हुई थी। और इससे ये साबित होता है कि मेट्रोस की डिमांड अभी है और इन फ्यूचर और भी बढ़ने वाली है, विच इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग फॉर एवरीवन। वैसे तो दोस्तों मेट्रो में ट्रैवल करने वाले लोग ज्यादातर डेली ट्रैवलर्स होते हैं, लेकिन कुछ ट्रैवलर्स ऐसे भी होते हैं जो कभी कभी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं, और जो लोग कभी कभी मेट्रो में ट्रैवल करते हैं उनको टिकट खरीदना पड़ता है जब भी वो ट्रैवल करते हैं, जिसमें मैक्सिमम 5 मिनट का भी वक्त लग सकता है, और अगर लाइन और भीड़ ज्यादा हो, खास करके ऑफिस आवर्स में। 5 मिनट का टाइम वैसे तो ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप मेट्रो टिकट्स खरीदने के बजाय अगर मेट्रो कार्ड यूज करते हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, जिसमें आपका वक्त तो बचता ही है, लेकिन एज कम्पेयर टू टिकट प्राइजेस आपको कुछ हद तक डिस्काउंट भी मिल जाता है इस कार्ड पे। और इन मेट्रो कार्ड्स में से आपको और भी कई सारी फैसिलिटीज है जो आप ले सकते हो, जैसे कि आप बस टिकट्स भी बुक कर सकते हो, होटल टिकट्स भी आप इस कार्ड से बुक कर सकते हो, और ऐसे मेट्रो कार्ड्स आपको मेट्रो लाइन के टिकट काउंटर पे मिल जाएंगे। कौन से भी मेट्रो लाइन के टिकट काउंटर पे आप चले जाओ, वहाँ जाके पूछो, उनसे कहो कि मुझे मेट्रो कार्ड चाहिए, आपको वो पूरी जानकारी दे देंगे, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको मेट्रो कार्ड यूज़ करना है या नहीं। बल्कि मेरे हिसाब से मेट्रो कार्ड हर किसी के पास होना चाहिए। तो दोस्तों ये था मेट्रो लाइन 6 यानी पिंक लाइन का पूरा अपडेट। तो वीडियो ख़त्म करने का वक्त हो चुका है, और ये उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे ही मेट्रोस के अपडेट और ट्रैवल वीडियोस मिलेंगे, और इस वीडियो को अपने मेट्रोस में ट्रैवल करने वाले दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।